वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। आज हम लोग क्लास 11th के त्रिकोणमितीय फलन को पढ़ेंगे। तो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि त्रिकोणमितीय फलन में मैंने फार्मूला और प्रश्नावली 3.1 3.2 को सॉल्व कर दिया है, और यहाँ तक कि उससे संबंधित जो भी एग्जाम्पल था वो भी मैंने सॉल्व कर दिया है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 के कुछ सवालों को मैंने सॉल्व कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियो में या मेरे चैनल के माध्यम से विजिट करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 के अगले सवाल को सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले आपको दिखा देना चाहता हूँ कि प्रश्नावली 3.3 में कौन से सवाल को मैंने सॉल्व किया है। तो चलिए देख लेते हैं पहले। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रश्नावली 3.3 का जो है मैंने 1 से लेकर 5 नंबर तक के सवाल को सॉल्व कर दिया है, और आज हम आगे की सवालों को सॉल्व करेंगे। इसलिए हमारे वीडियो में आप बने रहिए ताकि आपको इन चीज़ों की जानकारी हो जाए। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर सवाल क्या कहता है। तो 6 नंबर सवाल में जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि दिया गया है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर है cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई। यही सिद्ध करके हमको दिखाना है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम LHS लिख लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सवाल को हमने लिख लिया है, तो LHS पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल टू cos पाई बाय 4 माइनस एक्स पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ आप देख लीजिए फॉर्मूला है। तो ये देखिए कि cos यदि इसको हम a मान लें पाई बाय 4 माइनस एक्स को, और पाई बाय 4 माइनस वाई को b मान लें, तो इस तरह से हमारा फार्मूला हो जाएगा cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अब आप जान लीजिए कि ये जो सूत्र जो लागू किया जाएगा उसके लिए एक फार्मूला जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो फार्मूला हो जाएगा हमारा cos a प्लस बी का ये फार्मूला होता है। तो हम चूँकि वहाँ पर साइड में लिख भी देंगे फार्मूला ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो यहाँ सबसे पहले हम लिख देते हैं cos a प्लस बी। तो जैसा कि a के लिए हमने बताया कि पाई बाय 4 माइनस एक्स को a मानेंगे, तो यहाँ पर हम लिख दिए पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये हमारा a के लिए हो गया cos a हो गया प्लस बी, बी के लिए हमारा है पाई बाय 4 माइनस वाई। अब फार्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, चूँकि cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b बराबर फार्मूला हमारा हो जाएगा cos a प्लस b, a प्लस बी। तो ये फार्मूला होगा। तो मैंने यहाँ फार्मूला को लिख दिया, और इस पर जो है जो यहाँ पर LHS में दे रहा था उसको मैंने फार्मूला के अकॉर्डिंग बैठा दिया। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ आप देख ही रहे हैं कि ये मेरा हो गया cos पाए बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाए बाय 4 माइनस वाई, ये हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं आप। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसे हम इस तरह से लिखेंगे पाए बाय 4 प्लस पाए बाय 4। तो इसका अगर LCM लिया जाए, इसको पहले एक बार हम स्पष्ट रूप से लिख देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो पाए बाय 4 प्लस पाई बाय 4 माइनस, इसको हम इस तरह से लिखेंगे एक्स प्लस वाई। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने क्यों लिखा है इसको,
माइनस एक्स प्लस वाई, चूँकि देखिए माइनस गुना प्लस कीजिएगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस गुना फिर प्लस वाई कीजिएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फोर और फोर का एलसीएम हमारा फोर हो जाएगा, और जब हर समान हो तो अंश जुट जाएगा, तो पाई प्लस पाई हमारा हो जाएगा टू पाई माइनस, इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे, एक्स प्लस वाई। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि इसको हम क्या करेंगे कि कॉस दो एकम दो, दो दूनी चार, तो ये हमारा हो जाएगा पाई बाय टू माइनस, यहाँ बराबर देते जाइए इस तरह से ताकि दिक्कत ना हो कोई भी, तो ये हमारा हो गया एक्स प्लस वाई। अब आप जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा हमारा होता है साइन थीटा, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे साइन एक्स प्लस वाई, चूँकि यहाँ लिख दीजिए, चूँकि कॉस 90 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 6 को हमने सॉल्व किया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं कि प्रश्न संख्या 6 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपको प्रश्न संख्या 6 समझ में नहीं आया या कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके जो भी परेशानी है वो जान सकते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या हम लोग अब 7 को देखेंगे पहले, उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम दिखा देना चाहते हैं कि प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है मेरा। तो यहाँ आप देख लीजिए स्पष्ट रूप से कि प्रश्न संख्या 7 कहा जा रहा है कि tan पाई बाय 4 प्लस x बाय tan पाई बाय 4 माइनस x बराबर सिद्ध करके दिखाना है कि 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए इसको हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद सिद्ध करके आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने सवाल को लिख लिया है, अब सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे LHS। यहाँ लिख देते हैं कि LHS बराबर tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब आप जानिए कि tan अगर पाई बाय 4 को हम a मान लें और x को यदि हम b माने तो tan a प्लस b का हमारा क्या फॉर्मूला होगा, उसके अकॉर्डिंग इसको हम पहले लिखेंगे और उसके बाद जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले tan ऊपर में जो है फार्मूला आप देख रहे हैं कि tan a प्लस b है, तो tan a प्लस b का जो फार्मूला होगा उसको हम पहले लागू कर देंगे। तो tan a प्लस b का फार्मूला हमारा होता है कि tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही फार्मूला होगा। तो इसको हम उसके अकॉर्डिंग ही बैठा देंगे। तो आपको मैं फार्मूला भी दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो है फार्मूला पहले लिखा दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले वीडियो में विजिट करके देख सकते हैं। वैसे मैं आपको फार्मूला यहाँ पर शो कर रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फार्मूला कि tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी कि यहाँ पर a के लिए x लिया गया है और b के लिए y, तो इसलिए जहाँ a है वहाँ x, जहाँ b है वहाँ y, इस तरह से ये फार्मूला है। फिर tan a माइनस b का फार्मूला ये है tan x माइनस tan y बटे 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो इसी दो फार्मूला को हम यहाँ पर लागू करेंगे। तो चलिए इसको लागू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि tan a प्लस b है चूँकि, तो इसका फार्मूला होगा tan a प्लस tan b, तो a के लिए हमारा हो जाएगा पाई बाय 4, तो tan a प्लस tan b, tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो 1 माइनस tan a, तो tan a के लिए हमारा हो गया पाई बाय 4 tan a इंटू tan b, और b के लिए हमारा हो गया x। अब आप जानिए कि tan पाई बाय 4 का वैल्यू हमारा जो होगा
वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये तो ऊपर वाले के लिए फॉर्मूला हुआ, अब नीचे वाले के लिए भी हमें लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरह से, अब देखिए टेन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होगा कि टेन ए यानी कि ए के लिए हमारा हो गया पाई बाय फोर, टेन ए माइनस टेन बी माइनस टेन बी, बी यानी कि एक्स बाय वन प्लस वन प्लस, यहाँ लिखेंगे वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो टेन ए के लिए मेरा हो जाएगा पाई बाय फोर इंटू टेन बी के लिए हो जाएगा एक्स। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा दोनों का मैंने बैठा दिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, टेन पाई बाय फोर का जो वैल्यू होगा, तो टेन पाई बाय फोर का वैल्यू हमारा क्या होगा देख लीजिए। तो टेन पाई बाय फोर का वैल्यू हमारा हो जाएगा वन, क्योंकि टेन पाई यहाँ पर पाई के लिए हम 180 लेंगे, तो 180 बटे चार करेंगे तो 45 डिग्री होगा, और टेन 45 डिग्री हम जानते हैं कि वन होता है। तो वन प्लस टेन एक्स लिख सकते हैं बाय, इसी प्रकार हो जाएगा ये वन माइनस, यहाँ टेन 45 डिग्री का वैल्यू वन हो जाएगा, इंटू टेन एक्स, फिर नीचे वही होगा वन माइनस टेन एक्स बाय वन प्लस वन इंटू टेन एक्स, यही होगा। अब इसको हम पहले क्या करेंगे, ढंग से अरेंजमेंट कर लेंगे और इसी से हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसको, तो ये हमारा हो जाएगा वन प्लस टेन एक्स बाय वन माइनस टेन एक्स बाय वन माइनस टेन एक्स बटा वन प्लस टेन एक्स। अब ये देखिए चूँकि भाग में है, इसको हम गुना में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए, वन प्लस टेन एक्स बाय वन माइनस टेन एक्स मल्टीप्लाई, ये वन प्लस टेन एक्स ऊपर जाएगा और वन माइनस टेन एक्स नीचे आएगा। तो यहाँ लिखेंगे वन प्लस टेन एक्स बाय वन माइनस टेन एक्स, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी हमारा होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे हम कि वन प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर बाय, इसी प्रकार नीचे भी हमारा हो जाएगा कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो वन माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। और हम इसे जो है इस तरह भी लिख सकते हैं, तो वन माइनस टेन एक्स बटे, सॉरी यहाँ प्लस होगा, वन माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर, यही हमें RHS प्रूव करना था जो कि मैंने कर दिया। तो ये आप एक बार सवाल के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था और इसको हमने सिद्ध कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को लेकर चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको नेक्स्ट सवाल पढ़ाते हैं, मतलब क्या दिया गया है प्रश्न में। तो किताब के माध्यम से आपको दिखा देंगे कि नेक्स्ट सवाल क्या है और उसके बाद उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि सवाल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने लिख लिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे LHS लेंगे। तो LHS बराबर हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे पहले cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स बाय साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स। तो ये हमने लिख लिया। अब आप जान लीजिए एक चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और चूंकि बिना फार्मूला का ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए फार्मूला तो
मजबूती पूर्वक आप लोग याद कर लीजिए, और फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है पहले ही। तो यहाँ देखिए कि कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा है, तो कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा हमारा हो जाता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे हम सिर्फ कॉस एक्स, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस माइनस एक्स यहाँ देख रहे हैं तो कॉस एक्स डायरेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हमारा हो जाता है साइन थीटा, यहाँ हम लिख देंगे साइन एक्स, और इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि पाई बाई टू मैंने 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस साइन एक्स। अब आप देखिए यहाँ पर कि कॉस एक्स गुना कॉस एक्स, तो ये हमारा हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स गुना माइनस साइन एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस और ये माइनस क्लियर हो जाएगा, और चूंकि कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स बराबर हमारा फॉर्मूला ही होता है कॉट स्क्वायर एक्स, तो यही हमें RHS प्रूव करना था, जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, तो देख लीजिए यही प्रश्न से कह भी रहा था सिद्ध करने के लिए, जो कि मैंने सिद्ध करके आपको दिखाया। अब सबसे पहले हम आपको नेक्स्ट प्रश्न दिखाएंगे और उसके बाद उसका हम लोग फिर से सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न में आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि कॉस 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स इंटू कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमें सिद्ध करके दिखाने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने प्रश्न को लिख लिया है जो मैंने बताया आपको अभी, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे LHS लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे LHS बराबर cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स, और ब्रैकेट में इस तरह से है कि कॉट 3π/2 माइनस एक्स इंटू प्लस कॉट 2π प्लस एक्स। तो इस तरह से देख लिए आप कि यही दिया गया था यहाँ पर, तो हमने LHS लिख लिया। अब इसको हम बारी बारी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि cos 3π/2 प्लस एक्स है, तो cos 3π/2 प्लस एक्स बराबर हमारा क्या होगा, तो आप जान लीजिए कि पाई के लिए 180 होता है, तो यानी कि cos 270 डिग्री प्लस थीटा, तो cos 270 डिग्री प्लस थीटा होता है साइन थीटा, और cos 360 डिग्री प्लस थीटा जो होगा हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। तो आप यहाँ पर इसको पहले स्पष्ट रूप से आप देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि कॉस, देखिए पाई के लिए 180 डिग्री, तो 3 × 180 डिग्री बटे 2, 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 × 3 कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा, सीधा सीधी लिख दीजिए 270 डिग्री प्लस ये हमारा एक्स, और ये आप जान लीजिए कि 2π यानी कि 180 × 2 कीजिएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा, तो 360 डिग्री प्लस एक्स। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे हम कॉट 270 डिग्री माइनस एक्स प्लस कॉट 360 डिग्री प्लस एक्स, तो ठीक है। अब जानिए आप कि कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा हमारा होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी थीटा के स्थान पर यहाँ पर हम एक्स लिखेंगे, ठीक है, और ये कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, यहाँ हम कॉस थीटा ही यानी कॉस थीटा के बदले में एक्स लिखेंगे, कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा जो होता है
वह होता है हमारा टेन थीटा, यानी कि टेन एक्स, और कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा हमारा हो जाएगा सिंपल कॉट थीटा, तो प्लस कॉट एक्स लिख दिए हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ कि साइन एक्स हो गया ये मेरा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स बाय साइन एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे वो आप देख लीजिए कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यदि इसका हम लघुत्तम लें तो ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो यहाँ आप देखिए कि कॉस एक्स को जो है ना हम क्या करेंगे भाग देंगे कॉस एक्स इंटू साइन एक्स में, तो कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा साइन एक्स, और साइन एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार साइन एक्स कट जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारा कॉस एक्स, और कॉस एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए ये कॉस एक्स कैंसिल, ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हम जानते हैं 1 होता है, यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ लिख देंगे हम RHS प्रूव्ड। तो ये सवाल भी आपने समझ लिया, तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए आपको सबसे पहले नेक्स्ट सवाल जो भी है वो दिखा देंगे और उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्लास 11th का मैथमेटिक्स चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चल रहा है, तो अगर आपको अन्य भी पढ़ना है कौन सा चैप्टर तो वो मुझे आप कमेंट में जो है रिप्लाई दीजिए, और ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। वैसे तो मैं नियम पूर्वक क्लास 11th का पूरा कंप्लीट करना चाहता हूं चैप्टर, और हमारे साथ यदि आप बने रहिएगा तो आपको फ़ायदा भी होगा, तो हमारे वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर 10वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 10वां नंबर सवाल में मेरा है कि साइन एन प्लस वन इंटू एक्स इंटू साइन एन प्लस टू इंटू एक्स प्लस कॉस एन प्लस वन इंटू एक्स इंटू कॉस एन प्लस टू इंटू एक्स बराबर कॉस एक्स। तो ये सवाल आपने यहाँ पर देख लिया, अब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने सवाल को लिख लिया है, अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे LHS लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल टू साइन एन प्लस वन इंटू एक्स इंटू साइन एन प्लस टू ब्रैकेट बंद इंटू एक्स प्लस कॉस एन प्लस वन इंटू एक्स इंटू कॉस एन प्लस टू इंटू एक्स। ये हमने लिख लिया, जैसा कि आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख भी रहे हैं कि सवाल क्या कह रहा था हमें और क्या सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था, तो मैंने आपको बताया, अब इसको हम सिद्ध करेंगे। तो एक चीज़ आप भली भांति यहाँ पर जान लीजिए कि बिना फार्मूला का काम चलने वाला नहीं है, इसलिए फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर माना कि n प्लस वन इंटू एक्स तथा बराबर क्या मानना है इसको, इसको आप मान लीजिए a मान लीजिए इसको, तथा n प्लस टू इंटू एक्स बराबर बी मान लीजिए। अब आप देखिए कि साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, ये फार्मूला किसका होता है, तो बिना फार्मूला का तो काम चलने वाला है नहीं, आपको मैंने पहले बताया। तो ये फार्मूला होता है कि साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी,
इसको थोड़ा सा हम स्पष्ट रूप से लिख देते हैं कि इसको यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले। तो ये देखिए एन प्लस वन इंटू क्या माने हैं, एक्स इक्वल टू ए माने हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेंगे हम कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये आप देख लिए कि इसको पहले लिखें, चूँकि जोड़ है तो किसी प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला होता है, आप देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी बराबर हमारा फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, इसका ही सूत्र होता है ये। तो हम चूँकि ए के लिए माने हैं कि एन प्लस वन इंटू एक्स और बी के लिए माने हैं एन प्लस टू इंटू एक्स, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं अब कॉस, और इसको थोड़ा ब्रैकेट में लेते हैं, बड़ी ब्रैकेट में ए के लिए वैल्यू हम लिखेंगे एन प्लस वन इंटू एक्स माइनस बी के लिए लिखेंगे एन प्लस टू इंटू एक्स। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, तो कॉस अब देखिए एक्स से गुना कीजिए इसको, तो ये हो गया एन एक्स प्लस एक्स, फिर इससे माइनस से गुना कीजिए इसको माइनस एन एक्स, और फिर इससे गुना कीजिए तो माइनस टू एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये एन एक्स और ये एन एक्स क्लियर हो जाएगा, तो मेरा सिर्फ बचेगा क्या, ये देखिए अब ये बचेगा मेरा इस तरह से कि कॉस बच जाएगा सिर्फ मेरा एक्स माइनस टू एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस, देखिए एक्स में से हम घटाएंगे माइनस टू एक्स तो माइनस एक्स होगा, और कॉस माइनस थीटा हमारा होता है कॉस थीटा। यही हमें आरएचएस प्रूव करना था, तो आरएचएस यहाँ लिख देते हैं प्रूव्ड। तो ये आपने समझ लिया हमें क्या प्रूव करना था। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, तो यहाँ आप देख रहे हैं सवाल को स्पष्ट रूप से जैसा कि हमने यहाँ लिखा है। अब हम लोग अगले सवाल को सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको अगला जो सवाल है वो हम दिखा देते हैं और उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हमारा सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है। तो 11वां नंबर सवाल है कि कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स बराबर सिद्ध करके दिखाना है हमको कि माइनस रूट 2 साइन एक्स। तो ये आप सवाल तो देख लिए, अब इसको हम सिद्ध करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको हर चीज़ समझ में आसानी से आ जाए, और यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जहां आप नहीं समझे उसका रिप्लाई आप मुझे दे सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि 11 नंबर सवाल हमने लिख लिया है, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे एल एच एस बराबर कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स, ये हमने लिख लिया। अब मान लीजिए कि 3π/4 प्लस एक्स को पूरे को हम ए मान लेंगे और कॉस 3π/4 माइनस एक्स को इसको हम बी मान लेंगे। तो इस तरह से हमारा फार्मूला होगा कि कॉस ए माइनस कॉस बी, और हम जानते हैं कि कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला होता है कि अब जान लीजिए कि इसका फार्मूला क्या होता है कि कॉस ए माइनस कॉस बी। तो इसको हम आपको बताते हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर होता है फार्मूला माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। तो ये आप फार्मूला देख लिए, अब इसको हम वहाँ पर पुट करेंगे जो मेरा प्रश्न है। तो यहाँ पर हम इसको पुट करने का प्रयास करते हैं, तो चलिए इसको हम पुट करते हैं। तो माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस टू साइन ए, चूँकि मेरा ये पूरा है तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लिख लेते हैं माइनस टू साइन ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा ए
प्लस बी, प्लस बी के लिए मेरा ये है, यानी कि 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स बाय 2, 2 sin a + b/2, ठीक है, इंटू sin a - b/2 इंटू sin a - b/2। तो देखिए a ये हो गया 3π/4 प्लस एक्स माइनस, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में ले लेते हैं, 3π/4 माइनस एक्स बाय 2, इसको लॉक कर देते हैं ब्रैकेट से। तो ये हम यहाँ पर इसको लॉक कर दिए हैं, जैसा कि आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख भी रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2 sin, ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारा सिर्फ बचेगा 3π/4 प्लस 3π/4 को, आ देखिए ये भाग है तो इसको गुना में परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ आप देख ही रहे हैं, इसको हम भाग को गुना में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार यहाँ भी आप देखिए इंटू साइन, ये हमारा हो जाएगा 3π/4 प्लस एक्स, इसे गुना कीजिए माइनस से, तो माइनस हो जाएगा 3π/4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बाय नीचे जो है 2 लिख देंगे। तो अब देखिए 3π/4 माइनस में है और ये प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे अब यहाँ पर कि माइनस 2 sin 3, देखिए अगर हर समान हो तो अंश जुड़ जाएगा, तो 3π + 3π, तो ये लिखेंगे हम 6π/4 मल्टीप्लाई हाफ और इनटू साइन, ये मेरा बच जाएगा सिर्फ एक्स और एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा 2x/2, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 + 6, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से माइनस 2 sin 3π/4 इंटू, ये भी मेरा कट जाएगा, इंटू साइन एक्स। तो इस तरह से ये देखिए 2 से इसको कटा देते हैं, 2 × 4, तो ये हमारा हो गया sin 3π/2 इंटू साइन एक्स। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लिए, तो ये हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से साइन 3 × ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री बाय 2, तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री इंटू साइन एक्स। इसको हम लिखेंगे कि साइन, यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन 270 डिग्री इंटू साइन एक्स, साइन एक्स, और 270 डिग्री के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये हम कटाए नहीं है, ये कटाइए नहीं, इसको 4 ही रहने दीजिए, यहाँ माइनस 2 कर दीजिए और इसको 4 ही रहने दीजिए। इसी प्रकार अब यहाँ से सिर्फ हम प्रोसेस को बढ़ाएंगे, तो इसको हम थोड़ा सा इसको इग्नोर कर देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब यहाँ से हम इसको भी इग्नोर करके चलेंगे, तो ये हम इग्नोर यहाँ कर दिए। अब यहाँ देखिए कि माइनस 2 sin 3π/4 है, इसको हम लिखेंगे π - π/4, इतना तो लिख ही सकते हैं, इंटू साइन एक्स। तो अब मेरा ये हो जाएगा माइनस 2, देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा हो जाएगा, तो सिर्फ साइन π/4 इंटू
साइन एक्स। अब देखिए माइन बराबर देकर लिखेंगे माइनस टू और पाई बाय फोर का वैल्यू हमारा हो जाता है वन बाय रूट टू हो जाता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे कि माइनस टू गुना वन बाय रूट टू साइन एक्स। तो इसको हम सॉल्यूशन करके आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जगह की स्कार्सिटी होने के कारण आपको हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, तो हमारा जगह जहाँ है उसको सॉल्व करके हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे इसको। माइनस टू गुना पाई बाय फोर का वैल्यू होता है वन बाय रूट टू, तो वन बाय रूट टू लिख दिए और इसको हम रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट टू कर दिए, ये लिखेंगे हम साइन एक्स। तो इस तरह से देखिए माइनस टू गुना रूट टू गुना वन कीजिएगा तो रूट टू हो जाएगा, और रूट टू गुना रूट टू तो कम्प्लीट टू हो जाएगा, ये हमारा साइन एक्स होगा, और ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस रूट टू साइन एक्स। यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया, जो आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख भी रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को भी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पहले पढ़ेंगे और उसके बाद उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर 12वां नंबर सवाल देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर फोर एक्स बराबर साइन टू एक्स इंटू साइन टेन एक्स, यही हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से हमने सवाल को लिख लिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और बार बार हमें किताब भी ना देखना पड़े। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, एल एच एस। तो यहाँ लिखेंगे हम एल एच एस इक्वल टू साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर फोर एक्स। अब यहाँ आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये मेरा फॉर्मूला पर बैठ जाता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ए मेरा ये हो गया सिक्स एक्स प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी इंटू हमारा हो जाएगा साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी तो सिक्स एक्स यहाँ हो जाएगा माइनस फोर एक्स। तो इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि छः एक्स प्लस चार एक्स तो ये हमारा हो जाएगा दस एक्स। तो यहाँ हम लिख देंगे दस एक्स इंटू साइन सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स, ये हमारा हो जाएगा टू एक्स साइन टू एक्स। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या करके कि साइन टू एक्स इंटू साइन टेन एक्स, यही हमें प्रूव करने के लिए भी कहा जा रहा था, तो हमने यहाँ पर इसे प्रूव कर दिया। तो आप यहाँ पर देख लिए कि इसको कैसे प्रूव करना है। तो अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 13वां नंबर सवाल है हमारा कि कॉस स्क्वायर टू एक्स माइनस कॉस स्क्वायर सिक्स एक्स बराबर हमें सिद्ध करना है साइन फोर एक्स इंटू साइन एट एक्स। तो ये आपने देख लिया, अब इसको हम सिद्ध करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हमने सवाल को लिख लिया है, तो सबसे पहले हम एल एच एस लिखेंगे। तो एल एच एस बराबर हमारा होगा कॉस स्क्वायर टू एक्स माइनस कॉस स्क्वायर सिक्स एक्स, ये हमने लिख लिया। अब आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर हम फार्मूला लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी थीटा के लिए हमारा टू एक्स होगा, तो यहाँ हम टू एक्स लिख देंगे माइनस, इसी प्रकार यहाँ भी इसका फार्मूला हम यूज करेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर सिक्स एक्स। अब आप देखिए कि ये हमारा हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर टू एक्स, अब माइनस से गुना कीजिए पहले इसको, तो माइनस वन, अब माइनस माइनस हमारा हो जाएगा ये प्लस साइन स्क्वायर सिक्स एक्स। तो ये देखिए माइनस वन और ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर टू एक्स, अब मेरा लागू हो जाएगा यहाँ पर फार्मूला। तो ये फार्मूला हम लागू करेंगे यहाँ पर कि साइन स्क्वायर
सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर टू एक्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लागू होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि साइन ए प्लस बी यानी सिक्स एक्स प्लस टू एक्स इंटू साइन ए माइनस बी, सिक्स एक्स माइनस टू एक्स। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा साइन सिक्स एक्स प्लस टू एक्स, ये हमारा हो जाएगा एट एक्स इंटू साइन सिक्स एक्स माइनस टू एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा फोर एक्स। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइन फोर एक्स इंटू साइन एट एक्स, यही हमें प्रूव करना था RHS में, जो कि हमने यहाँ पर आपको करके दिखा दिया है। अब हम लोग यहाँ आप देख लीजिए, यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा भी जा रहा था, तो ये हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था तो हम सिद्ध कर दिए हैं। तो आज 13 नंबर तक के सवालों को हमने यहाँ पर सॉल्व किया और आपको दिखाया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 13 के बाद का जो सवाल है उसको सॉल्व करेंगे। यदि आपको कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट में आप मुझे अपना रिप्लाई दे सकते हैं कि कहाँ आपको परेशानी हुई समझने में, और हमारे चैनल पर भी, चैनल पर हमारा अपना व्हाट्सएप का जो है नंबर दे दिया गया है, तो उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है इसे लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको मेरे चैनल के माध्यम से तमाम सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। जो भी आपको दिक्कत है वो हम सॉल्व करके आपको देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।